वीडियो और आपका अच्छी वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है दीपिका अग्रवाल ने, जो कि लखनऊ से हैं, और वीडियो का टाइटल है मनुखता दी सेवा सोसाइटी लुधियाना। वेल, देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सेवा भी कहते हैं। दिल्ली रोड के ऊपर दराहे के कोल एक ढाबा सी छोटा जिहा, जो लीज ते लिया होया सी रेंट ते, उत्ते फूड दा काम करन दी कोशिश करन लगे सी। असीं छोटी जिही इक ढाबे नूं लै के रेनोवेट करके चलाउण दी कोशिश करदे सी, पर मन कितने ना कितने पहला शुरू तो सीखा छोटी छोटी हेल्प किसी की लोड़मंद मिल जाता सी तो करते रहते सी। उत्थे एक इंसान ढाबे ते पंज महीने हो ढाबा चलाते हुए उत्थे आके कोई डिग पिया इंसान, तो मैनू वेटर ने दस्या भी एक सरदार जी बाहर भीर जी बंदा डिग पिया, तो मैं जाके चुकया, चाके उन्हें अपने कोले बिठाया, उन्हें पानी पिलाया, चाह पिलाई। हालात उहदे इन्ने माड़े सी, पंजाबी बोलता सी उह, तो उन्हें दस्या भी मैं पिछले पौल के थले पिया ही तीन चार दिन तो, मैं पता नहीं की हो गया, मेरी एक साइड चलती नहीं। मैं जी अरुण कुमार शुक्ला वा, तो यह सानू ढाबा से साडा दिल्ली रोड के उपर दरा है। तू आजा पुत, ये अरुण कुमार शुक्ला जी, इस वीर का नाम। तो यह वीर सानू लुधियाने तो बाहर दराहा हैगा एरिए दिल्ली रोड से, उत्थे वीर मिलया सी, पहला बंदा जिहनूं असीं सच्चे पातशाह ने सानू सेवा दा मौका बख्शिया इहदी दा, वीर दी दा। ते उत्थे आके डिग पिया ढाबे दे बाहर, ते मैं इहनूं चुक्किया, चक्के इहनूं अपने कोले बिठा लिया, पाणी पिलाया, चाह पिलाई, उस तों बाद इहनूं इशनान कराता। इशनान कराउण तों बाद जिहड़ियां फोटोआं खिच के सोशल मीडिया ते पातीआं वी, चल इहदा घर लभ जी पंजाबी बोलदा सी बहुत थोड़ी थोड़ी मुश्किल दे नाल ही, ते उह पहली वारी फोटो पाईआं सी ते उह शेयर कीतीआं लोकां ने, ते इहदा परिवार लभ गिआ। इह धान रहे इत्थे दुगरी दे कोले, इहनां दी कोठी, इहदा भरा पी डबल्यू डी डिपार्टमेंट दी जॉब करदा। तो उन्हें आके सानू फोन किया, तो दस्या भी मेरा भरा वा है, तो असीं उन्हूं कहा भी तू आ जा मिल जा, कहिंदा मैं कल आऊँगा। दूसरे दिन सवेरे आया, मिलया इहनूं, दो तीन घंटे दे कोल बैठा रहा, वापस चला गया, कहिंदा मैनूं ले जा नहीं सकदा, इहनूं मैं संभाल नहीं सकदा। तो उदों तों लै के साडे कोल अज तिकर नहीं आया, तो इहदी जिहड़ी प्रॉपर्टी सी सारा कुछ उह संभाल रहा, पर इहनूं नहीं संभाल रहा। करते करते पांच सत्त बंदे जिहड़े आउंदे सी ढाबे ते, कोई मेंटली अपसैट जां किवें पछाड़ सकण कोई आ ही जांदा सी कोई ना कोई, तो उन्हां नूं फड़ के नमा दईदा सी, कपड़े पवा दईदे सी, ते यानी कि उपराला वधिया लग्गिआ इदां ही। फिर एक बंदे दा घर लभ गया होर, मक्खण सिंह सी फगवाड़े दा सी वीर, उह जदों उहदियां फोटोआं शेयर कीतीआं फेसबुक ते, तां उहदा फोन आया मैनूं यूएसए तों इक बंदे दा, कहिंदा वीर इह बंदा साडे पिंड दा वा, मक्खण सिंह इहदा नां। चलो उहने उहदे परिवार नाल गल कीती, उहदा परिवार दूसरे दिन सवेरे साजरों टैंपू भर के, यानी कि 20-22 मैंबर घर दे आए लैण उहनूं, ते उहने बड़ा रोए बेचारे जफ्फियां पा पा के, बड़ा साडा थैंक यू कीता उहने मेरा, कि भाई जी तुसीं सानूं परिवार नाल मिला दा। वी मेरा कुड़ी कहिंदी मेरा डैडी आ इह, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ
उस दिन मेरा जन्मदिन सीगा जी, मैं उस दिन 40 साल का हो गया जी। 40 जन्मदिन हुण तक मना ले भी कोई चंगा काम किया ही नहीं, भी 40वें जन्मदिन से महाराज ने बड़ी वड्डी सेवा लाती, एक बंदा अपने परिवार चलिया। फिर सानू किसी ने दसिया भी केसर सिंह बापू चौंकी मान पिंड तो जिन्हें असीं लैके जिन्हें ते कीड़े पए, पहली बार जिंदगी सुनिया भी किसी के कीड़े भी पै जाते हैं, तो मैं सोच भी नहीं सकता सी पिंडां च भी साडे हालात हो सकते। तो वीर ने सानू एक ने फोन करके दसिया भी साडे पिंड इदां हालात ने भी उहदे कीड़े पए ने, उहदा मुंडा चिट्टा लाउंदे वेचदे आ, भी उह संभालदे नहीं बापू नूं। पहलां तां मैं इगनोर करता, मैं कहा यार भाई इदां दा सी पिंडां च तां नहीं लैके आउंदे, साडे ढाबे ते जे कोई आ जांदा सी उहदी सेवा कर दिंदे, ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਇੱਦਾਂ। ਮੇਰੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟ ਜੋਬ, ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਕੀੜੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਾਹਤੋਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਪੇਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀੜੇ ਪਏ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਟਾਂਜ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀਰਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਪੰਗਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਤੀਆਂ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਮਾਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੀੜੇ ਪਏ ਆ, ਵੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਬਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੌਂਕੀ ਮਾਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੱਤ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਸੀ ਬਾਪੂ ਦੇ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਹਰ ਸਭਾਗਾ ਸਭ ਕੁਛ ਵੇਚਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਚਮਚੇ ਕੌਲੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਪੂ, ਮਗਰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਬਾਪੂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, 4 ਜਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੌਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 4 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ 3,000-3,000 ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ, 12,000 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਬਾਪੂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਇਹਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੈਂਗਰਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਤ ਤਾਂ ਕਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਐਨ ਜੀ ਓ ਸੀ, ਨਾ ਬਾਪੂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਸੈਂਟ ਸੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਢਾਬੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਦ ਆ ਇੱਕ ਘੁੰਮਦੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤਾਰ ਪੀਣ ਦੇ ਤੇਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਰ ਪੀਣ ਦਾ ਤੇਲ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵੀਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ 2017-16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੋਚਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕੀੜੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 40 ਕੀੜੇ ਕੱਢੇ, 42, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਕੀੜੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਗੋਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਬਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਬੈਠੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੁਹਾਗਾ
करा सारे संत बना के मैं घरे कढ़ा पर भाइयों ने सारे को बेचता मैनू बहर कड़ता मैं तो उई तुरै फिरता रहा मैनू कोई पता नहीं है ट्रैक्टर साहब पता ही नहीं किधर नहीं जाना किधर नहीं आना पर भाई दे बारे बारे जाइए महाराजे चढ़ती दुनिया थाई ए नौ रहे जिन्हें मेरा नवा जन्म दिखाया वाहेगुरु उस तो बाद फिर ढाबे से सीगे सानू कोई बंदा दस दिंदा सी वी इत्थे बंदा पिया उहदे कीड़े पए हुए उत्थे बंदा पिया असीं कीड़े पैण वाले बंदे चक रहे सी कल्ले सानू जे कॉल आउण लग गई लोकां दे उहनां नूं पुछणा वी कीड़े पए आ उहने कहणा नहीं कीड़े तां नहीं असीं कहणा फिर असीं नहीं मदद करदे नहीं इक टाइम इदां दा आ गया सी फिर हौली हौली महाराज ने दिमाग 'च ख्याल पाया वी आ जरूरी तां नहीं वी कीड़े पैण तों चकणा बंदा वी कीड़े पैण तों पहलां वी चक सकदे आ आपां इह विक्रमा साडा इहदे सिर 'च कीड़े पए हुए सी आ देखो एड्डा वड्डा होल सी इहदे सिर 'च इत्थे तो यह सानू लुधियाने निक्का मलजिंदर के बाहर पिया मिले वीर तो आपके सिर च ना आप ही फरनैल पा लेंदा सी ते कीड़े कढ़ी जांदा रहिंदा सी सारा दिन नाई का काम करदा सी वधिया हेयर ड्रैसर सी ये पर हालात बदलते जदों पता नहीं लगता ये डैडी ने इहदी मम्मी की डैथ हो गई सी कैंसर नाल डैडी ने रीमैरिज करा ली स्टैप मॉम ने इहनू घर नहीं रहन दिता ये नाई का काम सिखिया सी लुधियाने आके काम करन लग गया इत्थे आए दा आटो पलट गया सट लगी सिर च ते गड्डी पलटी जदों ते हॉस्पिटल च डी एम सी दाखिल कराता लोगों ने चक के उतो डी एम सी ने 2.5-3 lakh का बिल बनाता चलो ये फादर साहब आए उन्हें बिल दिता इलाज कराया पर घर लै गया डॉक्टर ने उन्होंने कहा 6 महीने घर रखो मेरी हड्डी जी जुड़ी नहीं है ब्रेन की घर गए माँ ने फिर उही हाल घर नहीं बढ़ दिता रोटी पानी नहीं फिर उ बेचारा घरों भजे आया लुधियाने आके रहन लग गया पैसा है नहीं सी ना कमरा किराए से लैन जोगा सी सड़क से झुग्गी पा के ना निक्का मलजिंदर के बाहर उत्थे रहिंदा सी ते उत्थे बैठे दे सिर च पानी पूनी पई गया कीड़े पै गए सामने मंदिर अपूरी वालों का उत्थे प्रशादा छकन जाता सी बंदा देखला मंदिर वाले नूं पता सी सिर च कीड़े इहनू अंदर नहीं सी बढ़ दिंदे ते सानू पीसीआर वाले ने दस्सिया ते जदों असीं उत्थे गए ते सानू लभिया नहीं झुग्गी सानू कहिंदे दस्सिया मंदिर गया रोटी खाणा सी मंदिर गए उत्थे प्रधान बैठा मंदिर दा उह मूर्तियां घड़ घड़ के लाई जाण मूर्तिकार लाए उहने बहुत मैं उहनूं पुछिया वी इक मुंडा आया तुहाडे कोल उहदे कीड़े पए आ कहिंदे इत्थे तां बथेरे आउंदे आ कहिंदे असीं अंदर नहीं बढ़ दिंदे मेरी बड़ी उन्होंने मैं यार गुरु घर ही एक बंद के कीड़े पै गए सिर च मैं क्या मंदिर च पहुँच गया जां गुरुद्वारा साहब च पहुँच गया तो उस तो अगर कितने जाऊँ फिर होर एंड वाली जगह से तो पहुँच गया जिते आए नूं हैल्प नहीं मिलेगी फिर कितने मिलेगी तो चलो उस बाद असं आके सू पता लगे भी उत्थे आ गया झुग्गी फिर लैके आए ये सिर चो कीड़े निकलते थे जाने के ढिकी जाते थले इदा ढेर लग जाता कीड़िया का तो जदों का ठीक होया वीर साढ़े ना सेवा करा रहा हूँ इतने साढ़े नो ज़्यादा सेवा करता हूँ सवेर का बंदे रिश नमाने दवाइया देनिया बिस्तरे मंजे लाने सारा काम सवेर तो शाम तक करता है बिक्रमजीत सिंह पूरा नाम की है जी खड़ा हो जा एहसास की बाल जो सर्दी का बिक्रम तू किस तरह ला दे रूह ना लाउंदा क्योंकि कहना भी तकलीफ ना होवे उन्होंने हुण साडे कोल कई केस इदां ने जिहनां दे सिर च कीड़े पए सी इहने मैनूं कहना कहना भाई अंदर जिवें मेरे कुलबुल करदे सी कीड़े भी उवें इहनां दे भी करदे होणगे बेचारिआं दे भी उस तरीके नाल इह सेवा करदा हुण साडे नाल केस उहनां दे कर जिहड़े हुण साडे कोल बंदे हैगे आ जिहड़े मोने आ उहनां दे बाल कट्टणे आ जां कुछ होर इहनूं सेवा महाराज ने दित्ती होई आ इत्थे साडे कोल रहि कित्थों तुसीं संगरूर जी खेड़ी साहिब पंडित जी संत बाबा दलेर सिंह जी खेड़ी बिक्रम साडा बिक्रम इदा करते करते ढाबे से साढ़े को 15-16 बंदे हो गए फिर जो ढाबा से लिया लीज से लिया हुआ जी तो जो मालिक से उन्होंने लोगों ने दसिया भी उसे ढाबे से तो बंदे रखने शुरू करते उन्होंने तो इदा कर तो उन्हें बंद इतराज किया भी तुम इतने कब्जा करने मारिया ने भी इतने तुम आश्रम खोलन लगे हैं मेरे मन च आया भी जे हुण मान लो ये बंदे छड्डने पै गए अज्ज तो कित्थे जाणगे दुबारा किसी नूं आपां जलंधरों चक के लैके आए हैं किसी नूं पटियाले तों लैके आए हैं किसी नूं हरियाणे तों लैके आए हैं तो पता नहीं किदां भगवान ने उस अल्लाह ने उस वाहिगुरू ने उस राम ने कृपा की सोचा भी ढाबे ते असीं रौला नहीं कॉन्ट्रोवर्सी च नहीं पाउणी इह चीज़ असीं अपने खेत च लैके आउण लगे हां ते खेत च साडे इत्थे ना कोई दरख्त सी ना कोई जगह सी बहण नूं तो वीरेंद्र दे नाल गल की उहदे डैडी नाल गल की उन्हें दस्सिया भी तुसीं अपने खेत दे विच जगह बनी हुई है तुसीं कुछ टाइम उत्थे रख लो
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਜੀਤ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ UK ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ UK ਤੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੰਕਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਘਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਘਰੇ, ਵੀ ਜੇ ਘਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ ਅੰਕਲ, ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜਾ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਗਣ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਅੰਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾਲਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਆ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸਰ ਸੇਵਾ ਸਰ ਸੱਚ ਨਾ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ MCOM ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਗਾਧਰੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ, ਲੱਤ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਡ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ PM ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵੈੱਲ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ MCOM ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਬੰਬੇ ਟੂ ਪੂਨਾ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਫਸਟ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਾੜ ਪਹਾੜ ਕੇ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਬਦਲੇ ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਣੇ। ਰਚਨਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਰਚਨਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਧੋਂਗੜੀ ਰੋਡ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਦੀ 2012 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੀ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਆ, ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ, ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪੈ ਗਏ ਬੈੱਡ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਬਾਹਰ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਬਣੇ ਪਏ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਲੀਰਾਂ ਤੱਕ, ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਖਾ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਟੋਇਲਟ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਨੇੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਦਵਾਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਰਹੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੋਇਲਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਇਲਟ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ,
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਰਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸ ਘਰ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਟੋਇਲਟ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਟੋਇਲਟ ਲਾਹ ਲਾਹ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਮ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਤਾ, ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਵਾਰਡ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16-17 ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਰਡ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ। ਨੱਚਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਕੀ? ਭਾਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਿਹਤ ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੇ। ਨੱਚਣਾ ਵਿੱਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਰਚਨਾ ਵਿੱਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ, ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਰਚਨਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਿੱਕੀ ਹਲੇ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ। ਵਿੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਰਚਨਾ ਕਿੱਥੇ ਵਿੱਕੀ? ਰਚਨਾ ਰਚਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਲੀਏ ਨਾ, ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਰਚਨਾ ਦਾ ਰਚਨਾ ਕਿੱਥੇ? ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਹਿੱਟ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਾੜੀ। ਵਿੱਕੀ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਬਸ ਸੁੰਦਰ, ਇਹਦਾ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਕੀ, ਰਚਨਾ ਦਾ। अगर आज इस वीडियो की, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की वीडियो होगी, क्योंकि टाइटल था इस तरह का कि मनुखता की सेवा, तो मुझे लगा था कि शायद कोई एक लंगर खाना होगा। एग्जैक्टली, मुझे भी यही लगा था, लेकिन जो हमें स्टोरीज देखने को मिली और सुनने को मिली और जिन लोगों से हम लोग मिले, मैं कहूँगी कि शायद हम लोग अपनी लाइफ में कभी सोचते भी नहीं है कि ऐसा होता होगा, क्योंकि अगेन हम लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और बिजी रहते हैं कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है हम लोगों को नहीं पता होता। बट मैं कहूँगी कि ये एक ऐसी साइड है जो कि हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, और ऑनेस्टली मैं ये बात कहूँगी कि हम लोग भी उसमें शामिल हैं, बाकी सब लोग भी जो देख रहे हैं इन हालात को देखकर, सबसे पहले जो हमारे घर के लोग हैं ना, हमें उनका वाकई में सोचना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। मैं अगर बात करूँ ना आज की वीडियो में, क्योंकि इस तरह के अल्फाज ही नहीं है बयान करने के लिए, हम यानी कि मैं बहुत देर पहले शोज देखता था टीवी पे, उसमें जो है वो ओल्ड एज हाउस जो होते थे वहाँ पर जाते थे कैमरामैन अपनी टीम के साथ जाते थे, तो वहाँ पे जाके वो शो करते थे, तो वो लोगों को जब देखते थे ना तो जहन में एक चीज़ आती थी कि यार कैसे लोग हैं अपने बूढ़े माँ बाप को जो है वो ओल्ड एज हाउस में छोड़ आए जाके। लेकिन अगर आज की इस वीडियो की बात करें ना, इस वीडियो में जो हालात हमने लोगों के देखे हैं ये उससे भी बदतर है कि एक शख्स जिसे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम, आप उससे हाथ तक लगाने से डर रहे हैं। जैसे मैं सोचती हूँ समटाइम्स कि पता नहीं हम लोग इतने ज़्यादा जालिम क्यों हो जाते हैं कि हम लोगों को किसी का दर्द महसूस नहीं होता, किसी की ऐसी सिचुएशन, मतलब कि देखा जाए तो हर किसी के डिफरेंट हालात थे। इवन कि अगर आज के टाइम में ये बात की जाए ना कि आपके पास पैसे होंगे, जायदाद होगी, तो आपको फिर भी कोई आपका ख्याल रखेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अच्छी एक, पता नहीं ये शायद किस्मत की बात है, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं चाहते कि उनकी औलाद उनके साथ ऐसा करे, लेकिन जो करते हैं मुझे लगता है कि उनको सोचना चाहिए कि एक टाइम उन पर भी आना है, क्योंकि वक्त का पहिया एक जैसा नहीं रहता, वो घूम फिर कर आपके पास आएगा, जो आप बोओगे वही आपको काटना पड़ेगा। और बस ये होता है कि हम लोग ना ढीठ हो चुके होते हैं, हम लोग को समझ नहीं आती कि हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है ना तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि अपनी लाइफ में बड़े सेल्फिश होते हैं, और जब उन पर कोई
इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उनका जवाब ये होता है हमने तो कुछ नहीं किया, पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। यानी कि उनके दिल इस कदर बंद हो चुके होते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि हम लोगों ने क्या गलत दूसरों के साथ किया। यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे लोगों को देखा जो बहुत पढ़े लिखे भी हैं, ऐसे लोगों को भी देखा जिनके पास बहुत सारा पैसा भी था, और ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने देखा जो बेचारे एक मतलब छोटी एज में घर से बाहर निकल कर आए, लेकिन जो काम वो कर रहे हैं, जो सेवा वो कर रहे हैं, मैं कहूँगी वो शायद हमारे पास शब्द कम है कि हम उनकी तारीफ कर सकें, क्योंकि वो बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं अगर उनके काम की बात करूँ ना, मोस्टली हम लोग देखते हैं बाकी के लंगर यानी कि बांट दिया, खाना खिला दिया, किसी को एक कपड़ा दे दिया, लेकिन इस तरह सेवा बाकी कोई नहीं करता कि परमानेंट उसे अपने पास रख लेना। मैं अगर बात करूँ हमारे एज ए नॉर्मल पर्सन अगर मैं देखूँ ना, तो जब हमें कोई कीड़ी आके काटती है तो हमें कितनी तकलीफ होती है, ठीक है ना। लेकिन जो लोग जिन्हें कीड़े पड़े हुए हैं और लोगों को कोई परवाह नहीं, लोग बहुत बेहिस्से हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये चीज सच है, अगर किसी इंसान को ऐसे कीड़े पड़े होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वाकई में इवन कि अगर हम लोग भी होंगे ना, हम लोग भी करेंगे, हमें भी थोड़ा सा होगा डर, लेकिन ये है कि इतना एहसास होना चाहिए आदमी कि आप उसको अकेला ना छोड़ो, क्योंकि वाकई में बहुत सारे लोग बहुत सारे सेंसिटिव भी होते हैं। अभी अगर जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं कट्स नहीं देख सकती, मैं ब्लड नहीं देख सकती, ठीक है ना, और किसी के कीड़े निकाला, मैं कह रही हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने कीड़े निकाले होंगे, बड़ी हिम्मत है, बहुत हिम्मत और है। फिर जिसके बाद वो एक जो एक और बच्चा हाँ जी सर जी अब मुझे वाकई में बात बड़ी ठीक लगी कि जो तकलीफ जिस इंसान को होती है ना, उसके बाद उसको बड़ा अच्छे से अंदाजा होता है कि भाई कि इस तकलीफ से गुजरने वाले इंसान को क्या महसूस हो रहा है। आप लाख कोशिश कर लें और कह लें कि भाई मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ, और आप उस प्रोसेस में से नहीं गुजरे, आपको नहीं समझ आएगा। और ये चीजें ऐसी हैं कि जो मतलब मैं अगर अपने बारे में भी बात करूं, अपनी पर्सनल मतलब चीजों को लेकर, अपने पर्सनल हालात को लेकर देखूं, तो हाँ मुझे भी ये लगता है कि जो हालात हम अपने लिए फेस करते हैं और जो उनकी तकलीफ होती है, जब तक अगला बंदा उस फेज में से नहीं गुजरता, आपको एहसास नहीं होता। और वैसे दुआ तो यही करनी चाहिए कभी कोई भी किसी तकलीफ में से ना गुजरे, लेकिन तकलीफ के बाद एक चीज है कि आप जब उठते हैं और आप में जो हिम्मत आती है ना, वो फिर मतलब मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना, ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान किया है, और ये हकीकत होती है कि वो आपको अकेला नहीं छोड़ता, वो आपको हिम्मत देता है, हौसला देता है और आपको मजीद स्ट्रॉन्ग बनाता है। और बाकी अब हमारे पास और अल्फाज नहीं कि हम इसके बारे में क्या बात करें, क्योंकि बाकी जितनी भी हमने स्टोरी सुनी है ना, बहुत आपको अंदर से कुरेदने वाली स्टोरीज है। हाँ, और कहीं ना कहीं पर आप अपसेट भी हो जाते हो, शायद बहुत सारे लोगों को समझ भी ना लगे क्योंकि वो पंजाबी में बात कर रहे थे, और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको पंजाबी की समझ नहीं आती, तो इसलिए हम लोगों ने भी, लेकिन ये कि जब एक आप वीडियो देखेंगे तो आप एक आइडिया हो जाएगा कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बताया गया है उसमें। बट ये कि हम यही दुआ करेंगे कि ऊपर वाला उनको ढेर सारा मतलब खुशियां भी दे, उनको ढेर सारी हिम्मत दे, क्योंकि हिम्मत जो उनसे है ना, वो कभी कम नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाले से हिम्मत मांगनी चाहिए और ऐसी हिम्मत दे कि वो बहुत सारे और लोगों का भी अच्छा कर सके। मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि जो लोग जिन लोगों के पास घर नहीं है ना, उन्होंने उनको घर दिया है, और बहुत सारे लोग ऐसे जो बाहर घूमते हैं जिनके पास घर नहीं होता, सड़कों पर बच्चे हमें नजर आते हैं, बहुत सारे लोग नजर आते हैं, उनके साथ क्या क्या हालात होते हैं, कैसे गलत गलत काम होते हैं, ये हम लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ये चीज बड़ी अच्छी है कि उन्होंने एटलीस्ट उनको घर दिया, एक फैमिली दी है और एक अच्छी लाइफ दी है। तो ऊपर वाले से यही दुआ है कि ऊपर वाला उनको ढेर सारी खुशियां दे, उनकी फैमिली को, और वो मजीद ऐसे अच्छे काम करते रहे, और हमें भी सोचना चाहिए कि हम लोग भी अपनों का ख्याल रखें। बिल्कुल। और इसी के साथ हमें इजाज़त, हमारे वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब, वीडियोस शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। बाय।